आपके साथ मैं हूं अनुजा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले 21 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 40 दिनों से शहीद स्मारक पर महापड़ाव जारी है। महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में 40 दिनों से दिए जा रहे महापड़ाव के दौरान बेरोजगारों ने विभिन्न तरीकों से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं कभी दंडवत रैली तो कभी तिरंगा रैली निकालकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया गया है। वहीं अब 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित महापड़ाव से पहले एक बार फिर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए अर्धनग प्रदर्शन किया जाएगा। बेरोजगारों ने 24 नवंबर से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाओं में महापड़ाव की चेतावनी दे दी है और इसी कड़ी में बड़ी संख्या में बेरोजगार उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं, लगातार कई घोषणाएं भी करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रियंका गांधी ने कई घोषणाएं की हैं, किसानों के लिए अलग घोषणाएं की हैं और अब इसी के दरमियान जो है कई बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।